अच्छा जी, सबसे पहले तो जैसे आप लोगों ने बताया कि अमेज़ॉन पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक, और हम अमेज़ॉन को हर क्लिक के बदले में कुछ सेंट्स डॉलर्स पे करते हैं कि वो हमारी ऐड को सबसे टॉप पे या पेज के मिडल में या पेज के एंड में शो करवाए। ठीक है, तो इसका मकसद ये होता है ताकि अब इसका मकसद ये होता है कि एक तो आप लोग अपनी सेल्स ज़्यादा कर सकते हैं इससे, क्योंकि देखें आपका प्रोडक्ट अगर पेज के मिड में शो हो रहा है और आपकी एड फर्स्ट पेज पे शो हो रही है, तो आउट ऑफ एक पेज पे 40 सेलर्स होते हैं मेरे ख्याल से। तो अब देखें कि 40 सेलर्स में से दो तो आप नजर आ रहे हैं, बाकी सब एक एक, तो आपकी सेल्स उठाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, इस वजह से आपकी सेल्स ज्यादा होना शुरू हो जाती हैं। दूसरा ये है कि अमेजोन ऐसा करता है कि आपकी रैंकिंग इससे बहुत इंप्रूव होती है, क्योंकि अमेजोन अब पहले अमेजोन एक सिर्फ मार्केट प्लेस की तरह एक्ट कर रहा था, लेकिन अब अमेजोन एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की तरह भी एक्ट कर रहा है। तो अमेजोन उन सेलर्स को ज्यादा नवाजता है जो कि अमेजोन को ज्यादा पीपीसी से अर्न करके देते हैं, और उनकी स्पेंडिंग पीपीसी में ज्यादा होती है। ठीक है जी, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था पीपीसी में, और आप लोगों ने जैसे खुद ही बताया कि टॉप पे जो जहाँ पे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, तो उसका मतलब ये होता है कि वो सेलर्स पीपीसी एड्स चला के बैठे हैं उस पे। और आपने देखा होगा कि आपको स्पॉन्सर्ड अक्सर ये होता है कि कुछ टॉप पे नजर आ रहे होते हैं, कुछ मिड में नजर आ रहे होते हैं, कुछ राइट साइड पे नजर आते हैं, कुछ लेफ्ट पे, और कुछ बिल्कुल बॉटम पे। ठीक है, सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपने अपनी सेल्स ज्यादा करनी होती है, सेल्स वेलोसिटी ज्यादा करनी होती है आउट ऑफ 40 सेलर्स। बाकी सब एक एक दफा नजर आ रहे हैं, लेकिन आप दो दफा नजर आ रहे हैं, तो आपके चांसेस बाकी सेलर्स के मुकाबले में थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी आपको हर क्लिक पे ही सेल मिलेगी, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एक क्लिक के बाद एक सेल मिलेगी, वो आपको नुकसान देगी, तो उसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटजीज यूज करनी पड़ेंगी जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम बेसिक पे जाएंगे। देखें, एक तो आपने सेल्स ड्राइव कर ली, सेल्स अपनी वेलोसिटी बिल्ड करने के लिए आपने पीपीसी को यूज कर लिया। फिर आते हैं जब हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, पहले तो ये होता था कि लोग एक एक हफ्ते के अंदर अंदर रैंक कर लेते थे तो बिल्कुल टॉप पे अपना अपना प्रोडक्ट विदाउट पीपीसी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अमेजोन ट्रेन होता गया। जब अमेजोन ट्रेन हो गया, अमेजोन को पता चल गया कि यहाँ पे ऐसे हो रहा है, तो ये अमेजोन की टर्म्स ऑफ सर्विसेज के खिलाफ है कि आप फ्री में प्रोडक्ट्स दे के रिव्यूज बिल्ड करके अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर लें, तो अमेजोन ने लिस्टिंग सस्पेंड करना शुरू कर दी। अब ये स्ट्रेटेजी होती है मोस्टली सेलर्स की, बल्कि 80% सेलर्स की यही अब है प्रैक्टिस। वो ये करते हैं कि आपने अपना प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल आज लॉन्च किया, तो उसी वक्त वो पीपीसी चला के उसको रैंक करना शुरू कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ताकि जल्दी से रैंक हो, क्योंकि देखें अब कोई दो नंबर तरीका तो रहा नहीं है जो यूज करके आप रैंक कर लो, तो फिर पीपीसी को ही आपने यूटिलाइज करना है। कुछ सेलर्स होते हैं जो कि रैंकिंग पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कहते हैं कि हम पीपीसी पे बिला वजह एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं कर सकते, तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपनी सेल्स पे। ठीक है जी, अब लॉन्चिंग मैंने आपको बता दिया, फिर आते हैं आपको पीपीसी चलाने से पहले, देखें आपकी पीपीसी, अब मैं ये वाला टॉपिक कवर करूँ, रिटेल रेडीनेस। आपकी लिस्टिंग जो है वो रिटेल रेडी होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि आपके टाइटल में सारे के सारे रेलिवेंट कीवर्ड, सारे रेलिवेंट कीवर्ड्स नहीं, सॉरी, दो मिनिमम दो रेलिवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए। कीवर्ड एक्सट्रैक्शन मैंने आपको सिखाई भी है, वहां से आपने देखना है कि आपके मिनिमम मिनिमम दो रेलिवेंट कीवर्ड्स आपके टाइटल में होने चाहिए। जी, तो मैं बता रहा था कि आपकी लिस्टिंग रिटेल रेडी होनी चाहिए, इसका मतलब यह है कि आपके टाइटल में एटलीस्ट दो मिनिमम कीवर्ड्स होने चाहिए। सुपर रेलिवेंट कीवर्ड, जैसे मैंने आप लोग कीवर्ड एक्सट्रैक्शन सिखाई थी, वैसे आपने कीवर्ड एक्सट्रैक्शन करके देखना है कि आपके टॉप रेलिवेंट कीवर्ड्स कौन से हैं, और आपने अपने टाइटल में उनको जरूर डालना है। ठीक है, टाइटल हो गया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी लाजमी होने चाहिए। देखें जो आपके सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है, हाईली सर्च वॉल्यूम, हाई इंटेंट, जिसका आपको लगता है कि ये आपका मेन कीवर्ड है, वो टाइटल्स में डालने हैं, वो टाइटल में डालने हैं। उसके बाद जो थोड़े से कम सर्च वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट्स हैं, रेलिवेंट हैं, उनको आपने बुलेट पॉइंट्स में डाल देना। बुलेट पॉइंट्स का आपको पहले एक असाइनमेंट दी थी आपके सर ने, जिसमें आप लोगों ने टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट करके रखे थे, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ।
फिर आपने डिस्क्रिप्शन में भी कुछ कीवर्ड्स डालने हैं, फिर आप ये देखने के इमेज इमेज देखें अमेजोन, आपको इमेज जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, हाई एचडी क्वालिटी होनी चाहिए, जिसको सेलर दे जिसको बायर दे के अट्रैक्ट हो, और ये ना, और आपके प्रोडक्ट को वो क्लियरली बता रहा हो कि आपका प्रोडक्ट असल में है क्या, ये ना हो कि आपका प्रोडक्ट असल में हो किचन नाइफ हो, लेकिन जब आप अपनी पिक्चर बना रहे हैं तो किचन नाइफ को आप यूज करते हुए आपका ज्यादा फोकस फ्रूट्स पे पड़ना शुरू हो जाएगी, या जो भी आप वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं तो आपका फोकस ज्यादा ज्यादा वेजिटेबल्स पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस किचन नाइफ पे होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपकी नाइफ ब्लर हो और आपके फ्रूट्स या जो मॉडल है जो कट कर रहा है उस पे ज्यादा फोकस हो, उससे ये होगा कि आपके जो बायर्स हैं वो मिसलीड हो जाएंगे, उनको लगेगा कि शायद आप वेजिटेबल बेच रहे हैं, उससे ये होगा कि आपकी पीपीसी में क्लिक्स पड़ना शुरू हो जाएंगे, जब आपके पीपीसी में क्लिक्स पड़ना शुरू होंगे और बायर आपकी लिस्टिंग पे आके देखेगा कि ये तो वो प्रोडक्ट ही नहीं है जो वो लेना चाह रहा है, तो वो उससे बाय नहीं करेगा और आपको क्लिक पड़ जाएगा, और आपको उस क्लिक के पीछे 0.50 0.60 डॉलर्स देने पे करने पड़ जाएंगे। अच्छा, सुनने में 0.60 0.50 बहुत थोड़ा लगता है एक क्लिक के लिए, लेकिन जब आप अपनी पीपीसी रन करते हैं वहां पे आपको दिन का 100 क्लिक आ जाता है, अब आप खुद अंदाजा लगाएं 0.60 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये जाके 60 डॉलर्स बन जाते हैं डेली का, और 60 डॉलर्स बहुत आसानी से आपकी डेली की स्पेंडिंग्स हो जाती हैं, और मोस्टली ये होता है कि आपने सेल्स की होती है 100 डॉलर्स की, लेकिन आपका पीपीसी स्पेंडिंग 150 डॉलर्स का हो जाता है, तो वो आपको वहीं से लॉस होना शुरू हो जाता है और आप नुकसान में जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब एक तो रिटेल रेडीनेस में मैंने आपको बताया टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स और इमेज, इमेज टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए जैसे ने बताया एचडी क्वालिटी की, फिर रिव्यू रेटिंग, रिव्यू रेटिंग में आपका ये होना चाहिए कि आपके पास रिव्यूज, जब आपकी लिस्टिंग में 0 रिव्यू होगा आपकी पीपीसी बहुत महंगी पड़ेगी आपको, क्योंकि बायर्स क्लिक करेंगे और देखेंगे रिव्यू तो है नहीं, बेसिकली रिव्यू जो होता है ये सोशल प्रूफ होता है, सोशल प्रूफ आपका जैसे गुडविल होती है आपकी, ये आपकी गुडविल शो करती है कि कस्टमर्स आपसे कितना सेटिस्फाई और कितना सेटिस्फाई नहीं है, तो जो भी तो ऑनलाइन शॉपिंग में अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप लोगों को पता होगा रिव्यू रेटिंग बहुत मैटर करती है, हम लोग किसी भी बायर के जाके सबसे पहले रिव्यूज देखते हैं, रेटिंग देखते हैं कि उसकी रेटिंग कितनी है, ये तो नहीं है कि उसकी रेटिंग 4 है या 4.2 है या इससे कम है, हम कोशिश ये करते हैं कि हम जिससे भी बाय करें उसकी रेटिंग 4.5 से प्लस होनी चाहिए, ताकि इसका मतलब ये है कि क्वालिटी जो वो ऑफर कर रहे हैं वो बहुत अच्छी है, अदरवाइज क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं है तो बस बायर क्लिक करेगा और चला जाएगा, तो आपके रिव्यू आपने बिल्ड करने होते हैं, रिव्यू साथ साथ बिल्ड करते जाए। अच्छा होता पता है क्या, आप पीपीसी चल रही है आपके एक कीवर्ड पे, आपके रिव्यूज नहीं है, अब एक कीवर्ड आपको दिन में 100 क्लिक्स दे रहा है और उसका एक्सपेंस आपको 50 डॉलर्स पड़ रहा है, लेकिन आपको उसमें सेल्स नहीं आ रही और आपके रिव्यूज भी नहीं है, अब जैसे जैसे आपके रिव्यूज बिल्ड होते जाएंगे आपकी पीपीसी स्पेंडिंग्स आपके कंट्रोल में आती जाएगी और आपकी सेल्स भी बिल्ड होना शुरू हो जाएंगी, शुरू शुरू में बहुत महंगा पड़ेगा आपको कीवर्ड, आप लोग बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएंगे कि इतनी इतनी कम सेल्स हो रही हैं और इतनी ज्यादा स्पेंडिंग्स हैं, तो आप बहुत प्रेशर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपके रिव्यूज बिल्ड होंगे आपकी कीवर्ड की जो स्पेंडिंग है वो नीचे आती जाएगी, और कन्वर्जन कन्वर्जन मतलब आपको सेल्स ज्यादा आना शुरू हो जाएंगी, तो रिव्यूज और रेटिंग भी मैटर करते हैं। फिर इन्वेंट्री शुड बी इन स्टॉक, फिर देखें आप पीपीसी रन कर रहे हैं, आपको एटलीस्ट ये होना चाहिए कि आपके पास इतनी इन्वेंट्री हो कि अगर आप आउट ऑफ स्टॉक ना हो, क्योंकि पीपीसी के दरमियान में आप अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तो आपकी रैंकिंग नीचे आ जाएगी, और जब दोबारा से आप पीपीसी चलाना शुरू करेंगे तो आपको फिर से वही मेहनत करनी पड़ेगी, पीपीसी की एक हिस्ट्री बनानी पड़ेगी, फिर से आपकी कैंपेन्स को नॉर्मल होते होते टाइम लगेगा। अच्छा, एबीसी और ए प्लस कंटेंट, एक मिनट में आपको भी दिखा देता हूँ, आपको मैं ईबीसी दिखाता हूँ, एक
अच्छा, ईबीसी कंटेंट के दो नाम होते हैं, ए प्लस कंटेंट और एक इसको ए प्लस कंटेंट बोलते हैं और ईबीसी भी बोलते हैं। ये अमेजोन का एक फीचर है जो अमेजोन सिर्फ अपने ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर्स को देता है। उससे ये होता है कि जी, ये मैंने एक लिस्टिंग खोली है बेडशीट्स की, ये आपकी एक नॉर्मल लिस्टिंग है, ये देखने में एक नॉर्मल लिस्टिंग लगती है, लेकिन जब आप इसके नीचे आएंगे तो आपको मजीद इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये देखें, ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको, एक्स्ट्रा पोर्शन अमेजोन ने बना दिया है, इसको बोलते हैं ईबीसी। अच्छा, ईबीसी का क्या काम होता है, ये देखें, ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है प्रोडक्ट के बारे में, और प्रोडक्ट आपको ज्यादा विजिबल हो रहा है, उसके फीचर्स आपको ज्यादा पता चल रहे हैं। अगर हम सिर्फ इन इमेजेस से कंपेयर करें तो आपका प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन थोड़ी सी शायद कम होगी, लेकिन जब हम नीचे आएंगे ईबीसी में तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। तो उससे ही होता है कि जब इन्फॉर्मेशन ज्यादा है तो बायर को नजर आ रहा है कि इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, तो वो ऑब्वियसली आपके कन्वर्जन के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, काफी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उसको पता चल रहा है कि आप सेल क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? सर हो रही ठीक है जी, है, यस सर हो रही है। अब ये जो मैंने आपको एक पोर्शन दिखाया था इसको ईबीसी भी बोलते हैं और ए प्लस कंटेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम पीपीसी की, दो टाइप्स होती हैं, बल्कि तीन टाइप्स होती हैं, हम अभी फोकस करेंगे सिर्फ दो टाइप्स पर। एक होता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में आप किसी एक प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करते हैं और सिर्फ एक प्रोडक्ट पे आप कैंपेन रन कर देते हैं, जबकि स्पॉन्सर्ड ब्रांड में आप ये करते हैं कि आपके ब्रांड, आपके जितने भी लिस्टिंग हैं, आपके ब्रांड नेम के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आप उन सब पे एक कैंपेन चला देते हैं, एक कैंपेन चलाते हैं जिसपे अमेजोन आपके अमेजोन पेज के टॉप पे शो करता है कि इस ब्रांड के पास फॉर एग्जाम्पल नेल कटर भी हैं, नेल फाइल्स भी हैं, नेल पॉलिश भी हैं। अगर तो आप प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड चला रहे हैं तो अमेजोन सिर्फ दिखाएगा कि इस ब्रांड के पास नेल कटर्स हैं, लेकिन अगर आप स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड चला रहे हैं तो उसमें अमेजोन दिखाएगा कि इनके पास नेल कटर्स भी हैं, नेल फाइल्स भी हैं, नेल पॉलिश भी हैं। तो आपका एक पूरा स्टोर का उसमें एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल सेलर्स, बट स्पॉन्सर्ड ब्रांड ऑल्सो कॉल्ड हेडलाइन सर्च इज अवेलेबल। ठीक है, हेडलाइन सर्च, जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल टॉप पे आपके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ब्रांड के, वो सब वहां पे एडवर्टाइज होते हैं, और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में सिर्फ एक होता है। ये फिर से वही बात आ गई, फिर से वही बात आ गई, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ये होता है कि जब आप अमेजोन पे सर्च करते हैं तो आपको ऊपर शो होता है। ठीक है, जैसे टॉप पे शो हो गया, पेज के मिड पे शो हो गया, राइट लेफ्ट पे शो हो गया, तो ये तकरीबन चीजें सेम हैं, इन चीजों को हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब खैर ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आप पढ़ लेना, इतना पार्ट आप खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दी है बीच में, लेकिन आप फिर भी इसको पढ़ लेना। ठीक है जी, टारगेटिंग मैथड। अच्छा, आप सबको ये तो पता है कि अमेजोन पीपीसी एक एडवर्टीजमेंट है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि इसमें टारगेटिंग के दो तरीके होते हैं, टारगेटिंग मेथड्स दो होते हैं। ऑटोमेटिक टारगेटिंग, ऑटोमेटिक टारगेटिंग में आप अमेजोन के हाथ में दे देते हैं कि उनको जो आपके प्रोडक्ट, जो कीवर्ड आपके प्रोडक्ट से रेलिवेंट लगता है, अमेजोन उस पर खुद ब खुद एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर देता है। इस टाइप में आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, मोस्टली लोग ये कहते हैं कि शुरू में आप ऑटोमेटिक कैंपेन्स चला दें, फिर जब उसमें से परफॉर्म करना शुरू करें कीवर्ड्स, तो उन पे आप मैनुअल कैंपेन्स चलाएं, लेकिन बेटर इज दिस कि आप शुरू से ही मैनुअल कैंपेन चलाएं। एक ऑटोमेटिक टारगेटिंग हो गई जिसमें अमेजोन के हाथ में होल्ड है कि वो जिस मर्जी कीवर्ड को टारगेट कर दे, और एक मैनुअल टारगेटिंग होती है। मैनुअल टारगेटिंग में उस दिन जैसे हमने कीवर्ड एक्सट्रैक्शन सीखी थी, अब की एक्सट्रैक्शन के वक्त आपने कीवर्ड्स निकाल लिए, आपने हाई सर्च वॉल्यूम हाईली रेलिवेंट कीवर्ड्स, लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स, सेमी रेलिवेंट कीवर्ड्स सब निकाल लिए,
अच्छा, अब आप अमेजोन पे जब कैंपेन चलाने जाएंगे, आप अमेजोन को कहेंगे नहीं हमने ऑटो टारगेटिंग नहीं करनी, हमने मैनुअल टारगेटिंग करनी है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सारे कीवर्ड्स हैं, ऑलरेडी सारी सर्च टर्म्स हैं जिनको हम यूज करते हुए कैंपेन चलाएंगे, और आप ऑटो टारगेटिंग नहीं करते। इसमें आपने अपना बजट, बजट तो खैर आपने ऑटो टारगेटिंग में भी खुद से सेट करना होता है। अच्छा, बजट क्या होता है? बजट बेसिकली आप एक कैंपेन चला रहे हैं, आपने उस कैंपेन को डेली का $10 एलोकेट कर दिया, सिर्फ $10, ये आप पूरी कैंपेन का बजट है, ठीक है। अब हम जब कैंपेन के अंदर जाते हैं तो वहां पे एक चीज होती है बिड। बिड आप हर कीवर्ड पे सेपरेटली करते हैं। अब ये देखें, ये मैंने कैंपेन बनाई एक मैनुअल टारगेटिंग, ये मैंने एक कैंपेन बनाई, इसका मैंने बजट सेट किया, इसका मैंने बजट सेट किया $10, ठीक है। अब मजीद हम जाते हैं, अब बैम्बू स्ट्रॉस था हमारा प्रोडक्ट जो, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी वो ही है। अब हमारे दिमाग में अब हम करते हैं, इसका बजट हमने सेट कर दिया $10। अब बैम्बू स्ट्रॉज के कीवर्ड्स हमारे पास कुछ हैं, जैसे बैम्बू स्ट्रॉज, बैम्बू स्ट्रॉज ग्रीन, ग्रीन 200 बैम्बू स्ट्रॉज, ओके ठीक है। अब ये हमारे पास तीन कीवर्ड्स हैं। अब इस कैंपेन का बजट तो मैंने $10 सेट कर दिया, लेकिन मैंने अब अमेजोन को ये भी बताना है कि किस कीवर्ड को, अब मैंने अमेजोन को बताना है कि इस $10 में से अमेजोन कौन से कीवर्ड को कितने पैसे देगा या कितने डॉलर्स देगा। तो मैं अमेजोन को कहता हूं कि मैं इस कीवर्ड पे उनको 120 या 1.50 डॉलर्स एक क्लिक पर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे, ये बहुत हाईली सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है और हाईली रेलिवेंट है। तो मैं उसको, इसको मैं अमेजोन को कहूंगा कि मैं इस पे एक क्लिक पे $0.50 दूंगा। फिर बैम्बू स्ट्रॉज ग्रीन आ जाता है, बैम्बू स्ट्रॉज ग्रीन का मैं देखता हूँ कि इसका सर्च वॉल्यूम कम है लेकिन ये रेलिवेंट कीवर्ड है, तो मैं अमेजोन को कहूंगा मैं इस पे इसको $0.50 दूंगा। फिर नीचे आ जाते हैं, इसको मैं देखता हूँ कि इसका सर्च वॉल्यूम उससे भी कम है लेकिन ये मेरा रेलिवेंट कीवर्ड है, तो मैं अमेजोन को कहूंगा मैं इस पे आपको $0.35 पर क्लिक दूंगा, ठीक है। ये आपका डेली बजट हो गया, ये आपका हर कीवर्ड के अगेंस्ट, हर कीवर्ड के अगेंस्ट आपका जो बजट एलोकेट किया है, बजट नहीं है ये आपकी बिड है कि अमेजोन को आप हर क्लिक पे इस कीवर्ड पे इतने डॉलर्स देंगे। अच्छा, अब अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन इस $10 को फर्दर ब्रेक डाउन करेगा और अमेजोन देखेगा कि आपका जो सबसे महंगे वाला कीवर्ड है जिसकी सबसे, खैर ये छोड़ें, ये थोड़े से एडवांस हो जाएगा, आप लोगों को मसला होगा। अच्छा, तो $10 आपने अमेजोन को कहा कि मैं इस कैंपेन का बजट $10 रखता हूं और इस कैंपेन के अंदर मैंने ये तीन कीवर्ड्स टारगेट किए हैं, जिसमें से मैं इस कीवर्ड का उनको $0.50 दूंगा, इसका मैं उनको $0.45 दूंगा, इसका $0.35 दूंगा। तो अमेजोन फिर उसको खुद ही मैनेज करेगा कि किस कीवर्ड पे, अगर ये होता है कि इस कीवर्ड पे मुझे डेली के 10 क्लिक्स आ गए हैं, 10 क्लिक्स का मतलब ये हुआ कि मेरे इस पे चले गए $5, यस इस पे मेरे $5 चले गए, इस पे फिर मुझे उसी तरह क्लिक्स आए, तो मेरा अमेजोन इस $10 को इन तीनों कीवर्ड्स के बीच में डिवाइड कर देगा, ठीक हो गया जी। इसको हम बोलते हैं बिडिंग। अब मैं इसकी बिडिंग बढ़ाता जाऊंगा, अमेजोन मेरी एड को प्रोमोट करता जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा इस बिड पे मेरा कीवर्ड पड़ा हुआ है थर्ड पेज पे, मैं इसको 0.60 करता हूँ और मैं देखता हूँ मेरा कीवर्ड जो है वो सेकंड पेज पे आ गया, फिर मैं मजीद बढ़ाता हूँ 0.70, फिर मैं देखता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ गया। तो ये बिडिंग होती है, आप अमेजोन को कहेंगे कि मैं इस कीवर्ड पे इतना बिड करता हूँ और आप मुझे टॉप पे शो कर, ठीक है। ये चीज आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ये मैं ऑलरेडी इसमें बता चुका हूँ,
ऑटोमेटिक टारगेटिंग मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। ऑटोमेटिक टारगेटिंग पे फर्दर तीन टाइप्स होती हैं। अमेजोन इसमें खुद ही मैच करता होता है, आपने कीवर्ड, आपने बस अमेजोन को बता देना है कि मेरा बजट इतना है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग है, जिस प्रोडक्ट पे आपने कैंपेन चलानी है वो अमेजोन को आप बता देंगे, बाकी अमेजोन खुद ही कीवर्ड्स निकालेगा। क्लोज मैच के एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दी हुई है, इसकी चार टाइप्स होती हैं, क्लोज मैच, लूज मैच, कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें जब हम अंदर जाते हैं तो इसमें ये होता है कि क्लोज मैच में आपका प्रोडक्ट बैम्बू स्ट्रॉज है आपका, तो अमेजोन उस पर जाके क्या करेगा, आपके अगर आपने कैंपेन चलाई है क्लोज मैच पे बैम्बू स्ट्रॉज की, तो अमेजोन क्या करेगा, बैम्बू स्ट्रॉज आपने डाला है तो अमेजोन एग्जैक्टली बैम्बू स्ट्रॉज को टारगेट करेगा, उसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। ये क्लोज मैच होता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि लूज मैच, लूज मैच में अमेजोन प्लास्टिक सॉफ्ट टूथब्रश फॉर सेंसिटिव टीथ, अगर हम इसको लूज मैच में देखेंगे तो इसमें लूज मैच में अमेजोन कहीं इधर उधर भी चला जाएगा। मतलब यह है कि इस फ्रेज का फॉर्मेट चेंज भी हो सकता है, जैसे सेंसिटिव प्लास्टिक, मतलब यह है कि इस फ्रेज का चेंज हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, इसके वर्ड्स इधर उधर हो सकते हैं। उसके बाद सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट में आपका ये होगा कि आपका फॉर एग्जांपल मैनुअल टूथब्रश है या आपका, हाँ मैनुअल टूथब्रश है आपका, तो सब्स्टिट्यूट में जब अमेजोन टारगेट करेगा तो अमेजोन ऐसा भी कर सकता है कि इलेक्ट्रिकल टूथब्रश भी टारगेट कर दे, लेकिन बात वही आती है कि जितना आपका रेलिवेंट प्रोडक्ट या जितना रेलिवेंट कीवर्ड टारगेट हो गया अमेजोन करेगा या आप खुद करेंगे, आपको उतना ही महंगा पड़ेगा। अदरवाइज इररेलीवेंट कीवर्ड पे आप चले गए तो वहां आपको महंगा पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंट, एक सेकेंड,